के अनेकार्थक का मतलब होता है अनेक अर्थों वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, अलग अलग, ठीक है, इन्हें कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, इसके पहले हम परिभाषा लिखेंगे, चाल, मोक्ष,
वर्ड लिखिए। चलिए बच्चों, नंबर एक लिखिए, गुरु। नंबर लिखिए, अध्यापक। क्या करके अध्यापक? भारी और बड़ा, भारी और गुरु। मैंने बड़ा भी बताया, लघु मीन्स छोटा। आप नाइन नंबर पर लिखे चपला। चपला होती है पिचिंदी। क्या होती है? लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्दों के। एक आज शब्द हम और देख लेते हैं, जैसे 15 नंबर पर लिखिए हंस। हंस, हंस क्या है? पुरुष, जीवात्मा,
ईश्वर ईश्वर और मुक्त प्राण है उन्हें भी हम मनुष्य कहते हैं। दीन दीन मतलब होता है दीन दीन रहित और खुदा रहित और शब्दों के अनेकार्थक शब्द देखे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।